हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आज हम चैप्टर द जुडिशियरी का पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे। अब पहले हमने पढ़ा पूरा सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। अब उसके हाई कोर्ट के नीचे जो होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ईच डिस्ट्रिक्ट हैव मैनी काइंड ऑफ कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई तरह के कोर्ट हो सकते हैं। हाइएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज का जो वो होता है ये हाईएस्ट होता है। ये सिविल कोर्ट जो होता है हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। एंड ही हैज द पावर टू हियर सिविल केसेस एंड ऑल्सो द अपील्स। तो यहाँ पे सिविल केसेस को सुना जाता है और अपील्स को भी सुना जाता है। अपील्स तो आपको पता ही है, जब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते तो आगे बड़े कोर्ट्स में भी वो जा सकते हैं लोग। तो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ट्राई क्रिमिनल केसेस इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये तो सिविल केसेस के लिए हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, ये सिविल केसेस को सुनते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है दैट कैन गो टू द सेशन जज। ठीक है, जो सेशन जज होते हैं वो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेशन कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये सेशन कोर्ट की तरह भी एक्ट करता है इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो क्रिमिनल केसेस आर ऑल्सो हर्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट। तो ये जो मैजिस्ट्रेट होता है ये क्रिमिनल केसेस को भी सुन सकता है। ठीक है, अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स कैन बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी लोअर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट्स में अगर डिसीजन नहीं सही लगता तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये पावर्स ये सब इनमें होती हैं। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, देखो दो तरह के केस होते हैं, एक होते हैं सिविल और एक होते हैं क्रिमिनल। अब सिविल केस क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल और इंस्टीट्यूशंस सच एज बिजनेस। ठीक है, तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई बिजनेस में ऐसा हो जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं डाइवोर्स के और चाइल्ड सपोर्ट कस्टडी के। तो इस तरह से जो है ये सिविल केसेस में आते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जैसे कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है उसे तोड़ दिया गया है तो वो बिजनेस में आ गया, ये सिविल में आ गया, सिविल केसेस हो गए। ठीक है, और ऑटो कलिजन गिव्स राइज टू अ सिविल केस। ठीक है, इफ एनी ड्राइवर सूज द अदर और इफ अ पैसेंजर इन वन ऑफ द कार्स सूज आइदर ड्राइवर, तो एन ऑटोमोबाइल कॉलिजन गिव राइज टू अ सिविल केस। तो अगर ऑटोमोबाइल्स का जैसे कार से एक्सीडेंट्स ये सब होता है तो इसमें जो है ये सिविल केस के अंदर आएगा। ठीक है, और अब है आपका क्रिमिनल केस। अब सिविल केस आपको समझ आ गया, नॉर्मल लोगों के बीच में जो सब कुछ हो रहा है, कहाँ सुनी हो गई है, डाइवोर्स हो गए हैं, ब्रेकिंग अप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ऑटो कोलिजन हो गया है। अब क्रिमिनल केस जो होते हैं दे इन्वॉल्व एनफोर्सिंग लॉज। ठीक है, द गवर्नमेंट ब्रिंग्स चार्जेस अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो इनके आगे अगेंस्ट चार्ज लगते हैं, सच एज रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया, ड्रंक ड्राइविंग हो गई। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, थेफ्ट का, मर्डर का, किडनैपिंग का, ये सब जो होते हैं क्रिमिनल केसेस होते हैं। इसके अंदर जो अक्यूज्ड होता है उस पर चार्जेस लगते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। तो अभी हमने सारे कोर्ट्स को समझ लिया है, कौन से कोर्ट होते हैं, क्या क्या होता है। अब ये जो पुलिस है ये क्या क्या करती है, इसका क्या रोल होता है, जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस का क्या रोल है। इसमें है कि एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। वो लोग जो विटनेस होते हैं, जिन्होंने ये सब देखा होता है, जिनके सामने ये सब वो क्राइम होता है, उनकी वो तो विटनेस कलेक्ट करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, और एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन दे फाइल अ चार्ज शीट। मैंने बोला ना क्रिमिनल केसेस में भी चार्ज लगता है, तो इस तरह से अगर कोई ऐसा एक्यूज पर्सन है तो उसके अगेंस्ट वो चार्ज शीट को कोर्ट में फाइल करते हैं। इट इज नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। ये पुलिस डिसाइड नहीं करती, ये जज डिसाइड करेगा कि वो पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट।
अब जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, ठीक है, कोई इंटरोगेशन करती है, डिटेंशन है, अरेस्ट है, इंटरोगेशन है, तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है पुलिस के लिए. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही, वैसे भी द पुलिस इज नॉट अलाउड टू बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. तो जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो ना किसी को मार सकती है ना किसी को शूट कर सकती है पुलिस, ठीक है. तो इस तरह से जो कुछ गाइडलाइंस है ये सुप्रीम कोर्ट जो है देता है पुलिस को, और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके जो पुलिस है इंटरोगेशन करती है और लोगों को अरेस्ट करती है. नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22. अब ये जो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. अगर कोई इंसान अरेस्ट हो जाता है उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, उसके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं. तो ये पांच फंडामेंटल राइट्स है अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है, ये हमारे आर्टिकल 22 में दिए गए हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसे याद रखिए क्योंकि एज अ सिटीजन यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहला, द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बींग अरेस्टेड. किस लिए अरेस्ट किया गया है ये उस इंसान को पता होना चाहिए. ऐसे नहीं है पुलिस गई और उठा लाए. नो, द पर्सन शुड नो वाई ही हैज बींग अरेस्टेड. उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस ऑफेंस में अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये पुलिस को बताना जरूरी है. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है. राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. तो पुलिस ना तो उसे इल ट्रीट कर सकती है ना ही टॉर्चर कर सकती है जब वो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है. कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैनॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज. अगर वो कन्फेशन भी करता है तो लेकिन उसे एविडेंस नहीं माना जाता. कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी, अगर वो पुलिस कस्टडी में कन्फेस भी करता है उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा अगेंस्ट द एक्यूज. अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैनॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग. तो ये दोनों पावर्स 15 इयर्स ऑफ एज को दी गई है और वुमेन्स को दी गई है कि उनको बार बार पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए दे कैन नॉट बी कॉल्ड. ओके, अब आ जाते हैं FIR. व्हाट इज FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ये वो रिपोर्ट होती है जो सबसे पहले पुलिस के पास जाती है और सबसे पहले उसे बनाया जाता है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. ये लिखित में होती है. पुलिसमैन हैज टू राइट रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन एलिज्ड ऑफेंस. ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आता है तो FIR होती है, तो वो रिटन में होती है. एज इट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जो सबसे पहले पुलिस के पास गई, कौन सी इंफॉर्मेशन गई, वो FIR बन जाती है. एनी वन कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस आइदर ओरली और इन राइटिंग टू द पुलिस. तो कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, तो चाहे वो ओरली करे चाहे वो रिटन में दे दे. अब टेलीफोनिक मैसेज जो होते हैं कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द बेसिस फॉर एन FIR. तो इस तरह से जो है FIR जो है होती है एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस. अब इम्पॉर्टेंस क्या है FIR? FIR बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट सेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन. तो यहीं से शुरुआत होती है. जब आपको जस्टिस चाहिए तो आप सबसे पहले FIR ही लॉन्च करते हैं. इट इज ओनली आफ्टर द FIR इज रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट द पुलिस टेक्स अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस. उसी के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी केस को. जब तक पुलिस के पास FIR नहीं है तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती. जब तक FIR लॉन्च नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगी. एनी वन हु नोज अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR. कॉग्निजेबल का मतलब होता है कोई सीरियस ऑफेंस, है ना, तो सीरियस इन नेचर. तो इसमें जो होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा भी होता है जिसमें कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट एन वारंट. वारंट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें. जैसे थेफ्ट है, मर्डर है, किडनैपिंग है. जैसे ही पुलिस के पास ये जाती है FIR तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और वो किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं इन दिस केस. तो ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ये सीरियस ऑफेंस होता है. ठीक है,
तो इसमें जो होता है, एनीवन हु नोज अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR. कोई भी अगर मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो मैं भी जाकर कर सकती हूँ. पुलिस खुद भी, अ पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR हिमसेल्फ. वो खुद भी एक FIR लॉन्च कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड फाइल एन FIR. तो FIR कोई भी जाकर लॉन्च कर सकता है जहां पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है. Where to file an FIR? FIR कहाँ जाके फाइल करेंगे? It can be filed in the police station of the concerned area. अब जैसे आपके एरिया का भी कोई पुलिस स्टेशन होगा, हर एरिया का पुलिस स्टेशन होता है, तो आप जो आपका जो कंसर्न एरिया है आप वहाँ जाकर FIR को लॉन्च कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में. इट मस्ट बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज, जो वहाँ का ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसके पास. अगर वो नहीं है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होगा, याद रखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होगा इज कॉम्पिटेंट टू एंटर अपॉन द इन्वेस्टिगेशन, तो फिर वो एंटर करेगा उसको FIR को. अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. हाउ टू फाइल एन FIR? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये यू मस्ट लर्न ऑल द पॉइंट्स हियर, तो ये एग्जाम्स में आ सकता है. सो हाउ टू फाइल एन FIR को कैसे फाइल करना है? गो टू द पुलिस स्टेशन, मीट द ऑफिसर इंचार्ज, है ना. अभी हमने पढ़ा ऑफिसर इंचार्ज के पास जाकर हमने FIR लॉन्च करनी है. स्टेप बाय स्टेप इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस नरेट टू द ऑफिसर एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. तो जो भी क्राइम हुआ है उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में आप उसको नरेट करते हैं. ऑफिसर्स शैल रिड्यूस द इंफॉर्मेशन गिवन इन राइटिंग, तो वो पूरा जो है उसको रिटर्न में लिख लेता है. द इन्फॉर्मेशन गिवन शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट. जो इन्फॉर्मेशन देता है जाकर पुलिस स्टेशन में, जो FIR को लॉन्च करता है जाकर, उसके साइन होने भी जरूरी हैं. इन्फॉर्मेशन गिवन शैल बी एंटर्ड इन द बुक टू बी कैप्ट बाय द ऑफिसर. और ये जो ऑफिसर है उसकी जो बुक है उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन एंटर होती है. कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट. अगर जैसे कोई जाकर FIR कराता है उसकी कॉपी उसको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उसने क्या क्या रिकॉर्ड करवाया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस स्टेशन में जाके, और उसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जाती. नाउ वेयर एन ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन. अब जब ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज कर दे कि मैं तो नहीं ले रहा FIR, तब क्या करेंगे? देन द इन्फॉर्मेशन मे बी सेंट इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न, SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. उसको ये आप राइटिंग में भेज सकते हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं. अब इफ ही सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसको लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एक सीरियस ऑफेंस है, तो वो क्या करेगा? या तो वो उसे खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, either investigate the case himself or direct investigation to be made by any police officer subordinate to him. या फिर वो किसी अपने officer को ये responsibility दे देगा. तो किसके पास जाते हैं? अगर officer in charge refuse करता है FIR के लिए तो जाते हैं superintendent of police के पास. तो ये उसको हम राइटिंग में बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं. तो इस तरह से अगर उसको लगता है, वो सेटिस्फाई होता है कि एक सीरियस ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो उसे या तो खुद हैंडल करेगा या अपने किसी ऑफिसर को बोल देगा. अब लोक अदालत क्या होती है? देखिए इंडिया में जो है ये बहुत डिफिकल्ट है केसेस को हैंडल करना. इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, हर कोई इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता देखा जाए तो. एवरी वन इज वेरी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, पुलिस का चक्कर, कोर्ट्स का चक्कर, नो, पीपल से नो टू इट. तो क्या होता है, टू सेव द टाइम एंड मनी अ सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैव बीन स्टार्टेड इन अवर कंट्री. अब क्या है, हमारी कंट्री में लोक अदालत शुरू हो गई. इसमें एक तो पैसा कम लगता है और वक्त भी कम लगता है. अंडर इट केसेज आर डिसाइडेड वेरी स्पीडीली एंड विदाउट मच एक्सपेंडिचर. तो बहुत जल्दी जल्दी काम होगा और आपका पैसा भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा. द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985. तो सबसे पहली लोक अदालत कब शुरू हुई? 1985 में, इन विच 150 केसेस वर डिसाइडेड इन वन डे. एक दिन में 150 केसेस को डिसाइड कर दिया गया था, फिनिश ऑफ ही कर दिया गया था. तो ये है, याद रखिए डेट को, इन दिल्ली 1985 में फर्स्ट लोक अदालत हुई थी, इन विच 150 केसेस वर डिसाइडेड इन वन डे.
अब है कंज्यूमर काउंसिल। अब ये क्या होता है, रिसेंटली कंज्यूमर काउंसिल्स हैव बीन सेटअप टू डिसाइड द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। हम सभी कंज्यूमर्स हैं, है ना, तो हमारी भी कुछ कंप्लेंट्स होती है, उन्हें लेके कहाँ जाना है, कंज्यूमर काउंसिल में जाना है। जस्टिस इन सच कंज्यूमर काउंसिल इज वेरी सिंपल, नो कोर्ट फीस आर चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाता, केसेज आर डिसाइडेड स्पीडिली इन अबाउट 3 to 4 months टाइम। सो कंज्यूमर काउंसिल आर ऑर्गेनाइज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल, तीनों लेवल्स। इफ अ सेलर ऑफ द प्रोडक्ट हैज डन अ फ्रॉड, कोई आपको सामान बेच रहा है उसने फ्रॉड किया है एंड सप्लाई डिफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया, तो आपको कंज्यूमर काउंसिल में जाना चाहिए। कंज्यूमर काउंसिल ग्रांट्स कंपनसेशन विद इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर, ये आपको कंपनसेशन तो देगा ही, साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिलवाएगा कंज्यूमर काउंसिल। तो कंज्यूमर्स के भी अब बहुत सारे राइट्स हैं जिन्हें आजकल बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं कंज्यूमर काउंसिल। तो यहाँ पे एक तो काम जल्दी होगा आपका, और आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना भी आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई गलत सप्लाई दे रहा है, कोई क्वालिटी में आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है फाइल कर सकते हैं केस। द कंज्यूमर काउंसिल ग्रांट्स कंपनसेशन विद इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर, और ये 3-4 महीने में खत्म हो जाता है। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, अब ये क्या है, बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसका एक अपना स्टैंड होना चाहिए, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए। वी मीन इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए जुडिशरी, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तभी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ढंग से काम करेगा। टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, तो उसका जो जस्टिस करने का तरीका है वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी की तरफ इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। इवन इफ इट इज इट्स जजमेंट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही जाना पड़े, लेकिन सही का साथ देना जुडिशरी का काम होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। टू सेव गार्ड द डिग्निटी ऑफ जजेस और द कोर्ट, तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए जुडिशरी में, वो पार्शियल नहीं होनी चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उसको अपने डिसीजन नहीं लेने। तो इस तरह से दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।